हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल समृद्धि मिथिला कला। फ्रेंड्स, बहुत लेट से वीडियो बनाने के लिए आई एम वेरी सॉरी। कुछ कारण थे जिससे मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी, पर अब मैं प्रयास करूंगी कि मैं लगातार वीडियोस अपलोड करूं। आज मैं आप लोगों को जो पिक्चर बना के दिखाने या सिखाने जा रही हूँ, उसमें मैं आपको लेडीज़ के बैठने के दो पोस्चर जो है वो बना के दिखाऊँगी। लेडी इन अ सिटिंग पोजिशन, जिसमें एक में हम उन्हें आलथी पालथी मार के बैठे हुए बनाएंगे और एक में घुटने मोड़ के बैठे हुए बनाएंगे। तो अभी जो आप मुझे बनाते हुए देख रहे हैं, ये मैं बना रही हूँ जिसमें मैं एक महिला बना रही हूँ जो पलथी मार के बैठी है। हमने साइड फेस बनाया है हमेशा की तरह। फ्रेंड्स, ये पोस्टर मैं एकदम सिंपल पेपर पे बना रही हूँ और जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं इसे सीडी मार्कर से ही बना रही हूँ, क्योंकि जो मेरा मेन गोल है वो बस आपको फिगर बनाकर बताना है कि ऐसी इस टाइप के फिगर आप कैसे ड्रॉ कर सकते हैं ना। नॉर्मली जब आप फेयर वर्क कर रहे हो तो स्वाभाविक सी बात है कि जीएसएम का भी ध्यान रखेंगे और जो पेन आप यूज़ कर रहे होंगे उसका भी ध्यान रखेंगे कि आप कितने समय तक उस पोस्टर को रखना चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप कलर को चूज़ करेंगे, ब्रश को चूज़ करेंगे, है ना। लेकिन अभी मैं केवल आपको बना के दिखाने के लिए ये मार्कर से बना रही हूँ और फिलिंग के लिए मैं इसमें यूज़ करूँगी ब्रश पेन का। जैसा कि आपने देखा, इसमें हमने इसे बनाया एकदम सिंपली, ये पोस्टर बन जाता है, लेकिन देखने में ये बहुत ही खूबसूरत लगता है ये पोस्टर। तो अभी जो हमारी लेडी है उसका पूरा पोस्चर, जो सिटिंग पोजीशन हमने बनाना था वो बन चुका है। और अब जो मैं वर्क कर रही हूँ वो कपड़े में डिज़ाइनिंग का वर्क कर रही हूँ, जिसमें मैं ब्लैक से वर्क करने के बाद जब कलर का काम हम स्टार्ट करेंगे तो मैं उसमें कलर करूँगी। अभी मैंने बॉर्डर में मोती पैटर्न बनाया है और ये चुन्नी जो मैंने सर पर बनाई है उसमें भी मैं बॉर्डर बनाऊँगी जिसमें मैं मोती पैटर्न ही बनाऊँगी और फिर बाद में हम इसमें कलर करेंगे। ठीक इसी लेडी के पीछे मैं एक और लेडी बनाऊंगी, वो भी बैठी हुई है, इनके हाथ में हमने कमल पकड़ाया है, उनके भी हाथ में हम ऐसे ही कुछ बनाएंगे, पर उन्हें हम दूसरे तरीके से बैठा हुआ बनाएंगे, जैसे इन्हें बनाया सेम टू सेम वैसे नहीं बनाएंगे। तो हाथ हमने दोनों का उठा हुआ बनाया है और एक सामने की ओर मुड़ा हुआ। अभी देखिए, इनका हमने जो घुटना है वो आगे की ओर ऊपर मुड़ा हुआ बनाया है ना, तो इसीलिए जैसा इनमें बना था आंचल वैसा इनमें नहीं बनेगा, वो आंचल इनके घुटनों के पीछे चला गया है, इसीलिए वो पूरा पोर्शन हम ड्रॉ नहीं कर रहे हैं, बस जितना पोर्शन विजिबल होगा घुटनों के पीछे उतना ही पोर्शन हम ड्रॉ करेंगे। फ्रेंड्स, सिटिंग पोस्चर हमने बना लिया है और अब हम इनके चेहरे पे काम करेंगे, जिसमें पहले मैं बाल बना रही हूँ, नीचे हम कुछ कमर का हिस्सा बनाएंगे और फिर बाल का पोर्शन बनाने के बाद हम इनकी आँखें और इयररिंग्स और नोज़ रिंग, ये सारी चीज़ें ड्रॉ करेंगे। हमें एक चीज़ का ख्याल रखना होता है कि जब भी हम इस ढंग से फिगर बना रहे हों तो इसमें भी डायमेंशन जो है वो बहुत वैल्यूएबल होता है। अगर कोई भी चीज़ आपने, जैसे आपने मुड़े हुए घुटने बहुत बड़े बना दिए और ऊपर का धड़ छोटा बनाया, तो भी आपका फिगर उतना सुंदर नहीं लगता जितना उसे लगना चाहिए। तो आप कहेंगे कि मैम फुल डायमेंशन क्या होगा, तो वो जब हम बनाते हैं तो हमें अंदाज़ा आता है और चेहरे के अकॉर्डिंग ही हम बॉडी को बनाते हैं, तो ये थोड़ा सा प्रैक्टिस करने के बाद ये बनने लग जाता है। जैसे स्ट्रेट खड़ा हो के जो पोस्चर होता है, उसमें मैंने आपको एक मैंने वीडियो शेयर की थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि 2:4:7 का जो है वो डायमेंशन हम बॉडी के लिए रख सकते हैं, लेकिन बैठने पर हम इस ढंग से कोई भी एक फिक्स डायमेंशन नहीं सोच सकते, तो हमें उसके लिए अंदाज़ा ही लगाना होता है और अंदाजन बनाना होता है, कोशिश रखनी होती है कि वो सही बने। अभी दूसरी जो लेडी मैंने बनाई थी, मैंने उनके हाथों में चिड़िया को बनाया है और अब इसमें इनके कपड़ों में मैं डिज़ाइनिंग का वर्क करूँगी और फिर हम लोग कलर का काम भी जल्दी ही स्टार्ट कर देंगे। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आपको इस वीडियो से बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी ये जो बैठने का तरीका है वो बनाने का, क्योंकि मुझे याद है कि मेरे कुछ सब्सक्राइबर फ्रेंड्स ने मुझसे कहा था कि मैं सिटिंग पोजीशन में लेडीज़ बनाना सिखाऊं,
तो मैंने आज उन्हीं को ध्यान में रखकर ये वीडियो बनाया है। वीडियो को अंत तक पूरा देखें और कुछ भी अगर आपका प्रश्न हो तो ज़रूर पूछें, मुझे आपके उत्तर देने में बहुत ही प्रसन्नता मिलती है और कहीं ना कहीं ये फील होता है कि मैं आपको कुछ सिखाने में सक्षम हो पा रही हूँ। अभी आप देख रहे हैं मैं ब्रश पेन का यूज़ कर रही हूँ और इसमें मैं पर्पल कलर से बहुत छोटे छोटे डॉट्स या सर्कल्स बना रही हूँ, जिससे वो जगह भर भी जा रही है लेकिन हम भरने का काम नहीं कर रहे हैं। कॉर्नर्स पे एक थिक लाइनिंग करके और फिर अंदर हम छोटे छोटे सर्कल्स बनाते हैं, इससे भरने का काम भी हो जाता है और ये भरने जैसा एकदम बहुत डीप वर्क नहीं होता तो ये खूबसूरत लगता है। और मुझे क्योंकि अभी आपको एक आइडिया देने के लिए ही इसमें वर्क करना है तो इसीलिए मैं कलरिंग कर रही हूँ, पर कलरिंग मोस्ट इम्पॉर्टेंट नहीं थी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट था ये बैठने का तरीका बनाना सीखना। आई होप आपने सीखा है, अपने जो विचार हैं मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। फ्रेंड्स, तो अब हमारा फिगर पूरा तैयार हो चुका है। आई होप कि आप सबको ये पसंद आने वाला है। कोई भी प्रश्न हो तो ज़रूर पूछें। जल्द ही मिलते हैं एक नए पोस्टर के साथ। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पेंटिंग बनाते रहें।